I hope you guys are doing great last standard SAE 3420 let's get started last one in your modules going to page number 11.17 SAE 3420 assurance engagements to report on compilation of a proforma financial statement a word that is called as फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस अब देखिए यह स्टैंडर्ड ना पहले एग्जिस्ट नहीं करता था राधर ऐसे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाने के बजाय आईसीआई प्रीफर करता था एक गाइडेंस रोड बनाया कि भाई प्रोस्पेक्टस रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट्स देने का है एक गाइडेंस नोट है उसको रेफर कर लो सीधा मतलब दैट वाज द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म गाइडेंस नोट का ये रेफरेंस हमारे रिपोर्ट्स के अंदर आता था एंड ऑब्वियसली वो गाइडेंस नोट्स भी इन लाइन थे विद आवर अदर यू ने यू कैन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल बट अब एक स्पेसिफिक केस के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बना दिया है एंड जनरली ऐसा होता है गाइडेंस नोट में स्पेसिफाई करते हैं अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कम्स इनटू तब तक ये रहेगा, जब एक में आ जाएगा, आ जाएगा उसके ऊपर तो पहले वॉट इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो समझने का ट्राई करना पड़ेगा फिर देखेंगे थ्री क्या बोलता है देखिए When we talk about a offer document, that is, let's say prospectus, अब important क्या है हम हमारे users को ये हर एक country में regulator का thought process होता है कि भाई आपने accounting जो आपके country में करना होगा वो आपके relevant gap के हिसाब से किया होगा अब obviously कुछ कंपनीज के लिए पहले अगर आप मुझे पूछेंगे बिफोर लिस्टिंग लेट्स ए इंडेस रेलिवेंट ही होगा अगर आप पुराने टाइम पे देखेंगे स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन इन स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट आइडियली तो उनके लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता था तो आप ए एस के हिसाब से नॉर्मल अपना काउंटिंग कर रहे हैं बट वेन यू बिकमल लिस्टेड एंटिटी ऑल टुगेदर आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है इंडेस को कंप्लाई करना तो नॉर्मली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट भी करना होता है नॉर्मली एक तीन साल का प्रैक्टिस होता है आप जब आईपीओ के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो तीन साल होते हैं रेलिवेंट उनके रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया

ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो क्या लेके आ रहे हो थैंक यू सर आप अगर एक ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो लेट्स से प्रॉस्पेक्टस लेके आ रहे हो उसमें हम चाहते हैं नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ-साथ में एक प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड किया जाए जिसका मतलब क्या है सुनिए लेट्स से देयर आर सर्टेन सबसीक्वेंट इवेंट्स अब वो इवेंट्स का इफेक्ट आपने एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च कंसिडर नहीं किया लेट्स का रिक्वायरमेंट नहीं था उन्होंने डिस्कलोजर डिस्क्लोजर देके छोड़ दीजिए पर ये इवेंट आपके पीरियड एंड डेट के बाद में होता है एंड दिस एग्जाम्पल्स you know, भी है उसका आप अपने से पे करने वाले हैं। या नया पैसा रेस करने वाले लोन के थ्रू से लोन लेकर पैसा लेंगे जिसको परचेस कंसिडरेशन पे करने के लिए यूज करेंगे या नया सब्सिडी खरीदते वक्त आपने कोई गुडविल का पेमेंट वगैरा किया होगा मतलब ये वो सिचुएशन है जहां पे थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद में कोई एक इवेंट हुआ है जो वैसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है इसलिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अडजस्टमेंट्स नहीं आए बट थिंक अबाउट यूजर्स एक यूजर जो कंपनी को आईपीओ में पैसा देने वाला है वो क्या बोलेगा अकाउंटिंग वाला पार्ट छोड़ दो रियलिस्टिक पिक्चर क्या है मतलब आज की तारीख में है, अगर ये इवेंट को मैं मानता कि ये हो गया है तो इसका इंपैक्ट अगर आपने बुक्स में कंसीडर किया होता तो मेरे बुक्स के नंबर कुछ और दिखते थे मतलब बेसिकली जो आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है एस पर एस और इनडेस वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को मैं एडजस्ट कर दू

as

called as SAE. थ्री फोर टू जीरो पहले था ही नहीं दो ही थे एंड ये क्योंकि तब उनको लगा का नंबर बढ़ना शुरू होगा इस कंट्री के अंदर ये हर कंपनी के आईपीओ में भी नहीं आता है अब अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ ही नहीं है जिसको एडजस्टमेंट करके दिखाने का जरूरत है जबरदस्ती तो मैं कहीं कोई फाइनेंशियल बनाएगा मैं नॉर्मली मेरे रीस्टेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही देगा ये प्रोफर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको हर प्रॉस्पेक्टस में देखने को मिले जरूरी भी नहीं है तो ये प्रोफर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सिंपल शब्दों में अन-अडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसमें अगर मैं एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट लेके आऊं एक नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा वो कहलाएगा प्रोफर्मा मतलब ये आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाएगा आज का सिचुएशन क्या होगा अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को क्या कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए ताकि मेरे यूजर्स को एक क्लैरिटी मिलेगा इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद में ये मेरी नई फाइनेंशियल सिचुएशन है इसे देख के डिसाइड करना आपको मेरे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है बेसिकली माई यूजर्स शुड गेट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ माई एक्चुअल फाइनेंशियल नंबर रिमेंबर एक्चुअल इंपैक्ट इतना ही आएगा अगले साल के फाइनेंशियल के नंबर ऐसे दिखेंगे इसका कोई गारंटी नहीं होता है ये सिर्फ आपके जजमेंट को यूज करते हुए आज बात समझ में आया है क्या नॉर्मली इन्हें कहा इंक्लूड किया जाएगा प्रोस्पेक्ट में बिकॉज एक रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट है सेबी बोलता है अगर आप आईपीओ लेके आ रहे हैं तो अपने ऑफर डॉक्यू

ये चीजें एज इट इज अप्लाई करना गाइडेंस रोड में सारे एंगेजमेंट्स के लिए जनरल कंटेंट होता है इधर थोड़ा स्पेसिफिक कंटेंट लिखा होता है कि भाई परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब चेक कर रहे हो तो भाई इस तरीके से अपने रिपोर्ट को बनाते वक्त चीजों को दिमाग में रखना चाहिए वापस से सर यहां पर आप क्या करने वाले हैं अश्योरेंस रिपोर्ट देने वाले हैं रिमेंबर कंपाइलेशन नहीं कर रहे हैं कंपाइलेशन अगर होता तो एसआरएस होता क्या होता एसआरएस यहां पर कंपाइलेशन ऑलरेडी हो चुका है किसने करवाया होगा कंपनी के मैनेजमेंट ने सर इन्होंने क्या किया एक नया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है दैट इज कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल सिंपल शब्दों में दिस प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू अन अडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लस एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट अगर वो एडजस्टमेंट्स जो अभी तक नहीं कंसिडर किए उन्हें कंसिडर कर लिया होता तो नया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो पोजिशन आता वो क्या कहलाता प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाता एक बहुत पुराना रिपोर्ट है एक एस चंदन कंपनी का आईपीओ आया था वेरी ओल्ड रिपोर्ट यस बुक्स वाला कंपनी पब्लिकेशन one second note table of contents can you see financial statements that is financial information the first one is the normal financial statements and can you see proforma financial statements 389 Speaking, अगर आप मुझे आने वाले दस साल के पंडित से पूछते हैं एक नया इंडस्ट्री जहां पर अगर आपको अपना अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज यूज करना है वैल्यूएशन इज जस्ट वन पार्ट अदर देन वैल्यूएशन से भी के रिक्वायरमेंट्स डे बाय डे और बढ़ते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इन टर्म्स ऑफ कंपाइलेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्कलोजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर मतलब इतने वास्ट है और इतने डिटेल में दैट अनलेस समवन रियली इज डूइंग दैट वर्क ऑन अ डेली बेसिस लिटरली आप वर्ड बाय वर्ड जो पढ़ रहे हैं आपको उसका रेलेवेंस भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो इतने स्पेसिफिक तरीके से लिखे हुए हैं फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी पब्लिक को री स्टेटमेंट एंड परफॉर्मा क्या होता है पता भी नहीं रहेगा बिकॉज अनलेस यू आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दिसेजमेंट ऑन डेली बेसिस तब आपको जाके समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है अदरवाइज इन जनरल वॉट सी इज कि मेरे को ऑलरेडी समरी बनाकर के दिया है हर आईपीओ का समरी आपको हर जगह पे देखने को मिलता है ऐसे मल्टीपल वेब्स

इसके बजाय मेरे को एक समरी अगर मिल जाए लॉजिकली तो ज्यादा काम में आएगी बट द वन हु इज स्टिल हेल्पिंग इन प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेज वो नंबर ऑफ कंपनीज डे डे और बढ़ते जाएंगे बिकॉज अभी तक इंडिया का कैपिटल मार्केट मेच्योर किधर हुआ है अभी तो और मेच्योर होगा और ज्यादा लोग कॉन्फिडेंटली मार्केट में आके आईपीओ लेकर के आएंगे ले पैसा रेस करेंगे देखो इन्वेस्टिंग वाला साइड एक हो गया फ्रो अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू साइड जहां पर गारंटीडीड वैसा है मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपनी के लिए अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ जब कंपनी का आईपीआर है मेरे को तो पैसा विक्स मिलने वाला ना आई यू चले ना चले कुछ हो चाहे नहीं हो मेरे को मेरे सर्विस के लिए तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ माई एक्सपर्टीज एंड नॉलेज सो अकॉर्डिंग टू मी दिस विल बिकम अ न्यू ग्रे एरिया राधर ई वाई पीडब्ल्यू केपीएम दे आर ऑल्सो इंटर्नली थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग सच डिपार्टमेंट्स राधर एक मेरे पास रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा दिस रिपोर्ट दैट क्यों आने वाले और कंपनी के लिए बढ़ते जाएगा इसके प्रिपरेशन में कैसे आपको एक एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी जो डे टू डे बेसिस पे मैनेजमेंट के पास भी नहीं हो सकती है स्टेप बाई स्टेप अप्रोच क्या होगा वाई अस हमारा प्रेजेंस क्या है समझ रहे हो मेरा बात अल्टीमेटली एंड ट्रस्ट मी द मोर मनी इज नॉट बीइंग बिंग ऑडिटर द मोर मनी इज इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज़ रिस्क इज लेसर प्रोवाइड दिस सर्विस समवन एल्स विल चेक इन साइन तो रिस्क उसके पास चले जाता दन साइंस

रोटेशन कॉन्सेप्ट यू डोंट हैव टू कंप्लाई विथ लॉट ऑफ मेजरली बेसिक इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स रहेंगे पर बिकम अ कंसल्टेंट इट्स बेटर डोंट ट्राइड टू बिकम दी ऑडिटर डोंट ट्राइड टू गिव अ सर्टिफिकेशन ट्राइड टू चुज़ द एक्सपर्ट वाला साइड बिकम द मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट द मेरे को आपको एक बेसिक सा और भी देना है मतलब ऑब्वियसली इतना कैरिड अवे नहीं होने का अपने को थ्री एटी नाइन फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तो ऑब्वियसली रिपोर्ट है ये उस जमाने की है दिस इज इन आई थिंक 2015 अर्ली स्टाइट्स और 2016 के आसपास का रहेगा इसमें रेफरेंस गाइडेंस रोड का दिया पर एक्चुअली में एसआर आर बॉय है मेरे हिसाब से नॉट रॉन्ग मेरे हिसाब से जब उस टाइम पे जस्ट एप्लीकेबिलिटी आया था रेफरेंस 3420 का देना चाहिए था इट वाज अ रिपोर्ट ऑन प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझने के लिए मेरे को पहले रिपोर्ट पे नहीं जाना चाहिए प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नीचे नोट्स में क्राइटेरिया होता है ये आपके बेसिक रिपोर्ट रिपोर्ट्स एस चंदन कंपनी बेसिक बैकग्राउंड देखिए सर वी कंप्राइजेस पब्लिशिंग ऑफ एजुकेशनल बुक्स

कंसोलिडेटेड प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू कंसिडर जो हमने एक्विजिशन किया है विच हैव टेकन प्लेस ऑन थर्टी जून मतलब मार्च के बाद में हुआ होगा द गुडविल वॉज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट ऑफ नेट एसेट वैल्यू निकाला होगा माइनस किया होगा बोला होगा कितना पैसा हमने एक्स्ट्रा दिया है ओवर एंड द नेट एसेट वैल्यू ये हमारे का अमाउंट रहेगा टोटल पैसा जो डील हुआ सत्रह सौ मिलियन में हुआ है लेट्स से उसमें से कितना पैसा हमने अपने पॉकेट से पे किया है कितना पैसा टर्म लोन से रेज किया है तो अब दिखाएगा कि बुक्स के अंदर टर्म लोन्स का नंबर बढ़ जाना चाहिए इंटरनल जो आपके पास पैसे थे उसमें कैश एंड कैश में से एक सौ अस्सी माइन कम हो जाना चाहिए बेसिकली वो एडजस्टमेंट्स फाइनेंशियल के अंदर लेकर के आएगा और आपको दिखाएगा अनएडजस्टेड से द पाथ टूवर्ड्स अडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई से अडजस्टेड मतलब अडजस्टमेंट का इफेक्ट कंसिडर हो चुका है बट इफेक्ट कंसिडर करने से पहले आपको लेना पड़ेगा अनएडजस्टेड

आपके पास थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने किया अडजस्टमेंट कैन आई से दिस इज कॉल्ड एज नाउ योर प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कहां से आया होगा प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी ऑडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा आपके पास में ये मैं वापस चेक करूंगा ही नहीं अगर ऑलरेडी किसी और ने ऑडिट किया या मैंने भी ऑडिट किया है तो कहना इसे वो है वो करूंगा इधर चेकिंग करूंगा में, आएगा. और रिपोर्ट में बोलूंगा कि मैंने नंबर का सोर्स क्या लिया है अनएडजस्टेड नंबर ऑडिटेड है कि नहीं रिव्यूड है नहीं, वो चेक किया है अगर ये होते तो प्रॉब्लम हो जाता हाँ तो फिर मेरे को इनको भी रिलाई करने के लिए तरीका ढूंढना पड़ेगा सी अगर ये 31 मार्च को नंबर्स ऑडिटेड है इसके बाद में एक ही एक इवेंट हुआ है जिस इवेंट का इफेक्ट देखना है इवेंट ये चेक कर रहा है ना बस ये तो ऑलरेडी चेक रहेगा इफ इट इज नॉट रिव्यूड देन देयर इज अ प्रॉब्लम तब मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा इवेंट भी चेक करना पड़ेगा और फिर प्रोफोर्मा पे आना पड़ेगा इट्स मोर लाइक यू आर शोइंग अ चेंज इफ दिस एडजस्टमेंट वुड हैव टेकन प्लेस वॉट वुड है न्यू सिचुएशन ऑफ माई फाइनेंशियल यह प्रिपरेशन होता है प्रफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन बनाएगा कंपनी का मैनेजमेंट मुझे क्या करना है उसे चेक करके अश्योरेंस प्रोवाइड करने का है बात समझ में आएगा यह इंगेजमेंट मेरे लिए कहला क्या कहलाएगा एस ए थ्री फोर टू जीरो जब मुझे अश्योरेंस देना है किसके ऊपर ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो किधर इंक्लूड किया है प्रोस्पेक्ट में इंक्लूड किया है सर ये बनाया किसने है मैनेजमेंट ने मुझे सिर्फ उसे चेक करके क्या देना है अश्योरेंस देना है. मैं कंपाइलेशन का पार्ट नहीं हूं कंपाइलेशन होता तो चले जाता एस के अंदर याद आया क्या पक्का बस ये एडजस्टमेंट वो बताएगा देखो

Pay the 180 हमने से किया। तुमको देखना पड़ेगा जो सिक्योर लोन उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा ऑब्वियसली इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर दैट पीरियड फिर जो हमने वन एटी खुद के पॉकेट से पे किया है वो खुद के कैश एंड कैश इक्वेलेंस में से माइनस करने पड़ेंगे जस्ट टू शो अगर ये ट्रांजेक्शन थर्टी फर्स्ट मार्च के पहले हो जाता तो मेरी कंडीशन क्या होती है बेसिकली शोइंग बुक्स का कंडीशन इज माय प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिना नोट्स पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले आपको पूछना पड़ेगा अपने क्यों बनाया है? number one, क्या हैं उनका लिस्ट वो एडजस्टमेंट्स लॉजिकल है क्या अब ऑब्वियसली एडजस्टमेंट करने के लिए नंबर भी चाहिए अनएडजस्टेड नंबर का सोर्स क्या है क्या ये अनएडजस्टेड नंबर ऑडिटेड है रिव्यूड है अच्छा एक प्रॉब्लम और भी आएगा

ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इंक्लूड किया जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट में योर प्रोस्पेक्टस क्या मीनिंग ऑफ एस फोर टू जीरो क्लियर है क्या नोटबुक में जाइए राइट डाउन दी देडिंग एस फोर टू जीरो राइट डाउन द नेम अश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन Assurance engagement to report on compilation of to report on compilation of pro forma financial information to report on compilation of pro forma financial information included in a prospectus.

ट्राई नहीं, नहीं किया <laughs> मैंने फोन के साथ में बट एप्पल पेंसिल तो कन्फर्म है एनी वेज पॉइंट नंबर वन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो नीचे इट वेयर रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली सर प्रोस्पेक्ट में ये रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट कहां से आएगा ये रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट हंड्रेड परसेंट एज पर रेगुलेटर आएगा सो इट इज एज पर लॉ और रेगुलेशन नॉर्मली प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग सेबी के रिक्वायरमेंट जब बोलेंगे प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करो तो मेरे को चेक करके रिपोर्ट देना पड़ेगा नीचे आइए वट इज योर ऑब्जेक्टिव इन थ्री फोर टू जीरो सर ऑब्वियसली मुझे रीजनेबल अश्योरेंस ऑप्टिंग करना है कि जो आपका प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बराबर है कि नहीं है एंड सर अकॉर्डिंगली रिपोर्ट देके खत्म करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव यहां पर कुछ ग्रेट नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड है इंपॉर्टेंट क्या है वॉट इज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यही चीज वो मल्टीपल तरीके से लिख के समझाने का ट्राई करेगा ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना

इट रेफर्स टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शोन टूगेदर विथ एडजस्टमेंट जब आप इलेस्ट्रेट करना चाहते हैं एक इवेंट का या एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट किस पे इंपैक्ट बताना चाहते हैं ऑन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब सर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इवेंट का इफेक्ट अभी तक नहीं आया है इसे एडजस्ट नहीं किया गया है बट आप अज्यूम कर रहे हैं अगर ये इवेंट उस पीरियड के पहले हो जाता तो शायद आप इसका एडजस्टमेंट करते अगर एडजस्टमेंट करते तो पिक्चर कैसा दिखता बेसिकली जहां पर ए एस इंडेस प्रोहिबिट कर रहा है इसको एडजस्ट मत करना डिस्कलोजर देके खत्म करना ये बोलता है यूजर्स के लिए रियलिस्टिक पिक्चर जानना बहुत जरूरी है इसीलिए तुम एक काम करो उन फाइनेंशियल को में कन्वर्ट कर दो ताकि पता चले एक्चुअल पिक्चर क्या है एंड उसके बाद में यूजर ने डिसीजन लेना चाहिए उसको भाई इस कंपनी में पैसा डालने का है कि नहीं डालने का पता चले इस इवेंट के बाद सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है लेट्स डेट कॉम्पोरेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है

ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें एडजस्टमेंट्स दिखाए जाएंगे ताकि आपको इंपैक्ट समझे एक इवेंट का और ट्रांजैक्शन का किस पे इंपैक्ट समझे ऑन अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन एज इफ मतलब अज्यूम करके चलना पड़ेगा इवेंट हैड ऑकर्ड और ट्रांजैक्शन हैड बीन अंडरटेकन एट अर्लियर डेट सिलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ मतलब अज्यूम करो ये इवेंट अगर पहले हो जाता तो का कंडीशन कैसे बदल जाता ये मान करके उसका एडजस्टमेंट करो मतलब ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च आप सोच के चल रहे थे कोई एक्विजिशन नहीं है अब मैं बोल रहा हूं मान के चलो ये जो एक्विजिशन बाद में हुआ है अज्यूम करो ये थर्टी फर्स्ट मार्च को पता चल गया होता

तो टेक्निकली मेरे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं जो इसके पास में है मेरे कॉम्पिटिटर के पास बराबर है कि नहीं है सो आई नीड टू क्रिएट अ सेपरेट बिजनेस जो स्विगी इंस्टामार्ट से इंस्टामार्ट ही बोलते ना उसको इमीजिएटली जो डिलीवरी देता है उससे कंपीट करेगा अब जोमेटो के पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है कना से या तो मैं प्रोडक्ट खुद से क्रिएट करूं या ऑलरेडी एक अच्छा धंधा चल रहा है उसे खरीद लूं ट वन ऑफ द फर्स्टर इनके अच्छा मार्केट शेयर था रेवेन्यू नहीं था मार्केट शेयर बढ़िया था लॉसेज सिग्निफिकेंट थे मेरे पोर्टफोलियो में वो चीज आ गया जो स्विग के पास भी है एंड रिमेंबर जोमैटो का लिस्टिंग स्विगी से पहले हुआ है स्विगी तो अभी भी लिस्टेड नहीं है क्योंकि अभी भी अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है समझ लो ना मेरा बात एंड अल्टीमेटली इंडिया इज अ कंट्री जहां पे अगर लिमिटेड प्लेयर्स बचे हैं तो कौन ज्यादा मार्केट से पहले से ग्रैप कर लेता है उससे उसको आगे लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत एडवांटेज मिलता है है देखो ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ ब्लिंकिट की वजह से जोमैटो को फायदा होने वाला है क्या तो लोगों ने क्या बोला तुम्हारा कोर बिजनेस क्या था डिलीवरी बिजनेस फूड डिलीवरी बिजनेस आज की तारीख में वो अंदर तुम्हारा अच्छा काम कर रहा है तुमने उस बिजनेस के अंदर बॉय पीपल क्रिटिसाइज दिस जोमैटो मेकिंग लॉसेस

अब इंपैक्ट आ रहा है आज के दस साल पहले सात साल पहले कोई प्रॉफिट के बारे में पूछता नहीं था पर लोग अब पूछना शुरू कर दिए अगर वैल्यूएशन बेटर चाहिए टॉक दैट मीस नाउ दे आर फोकसड ऑन बिकमिंग प्रॉफिटेबल आप अगर नोटिस करोगे अभी आने वाले टाइम में एक ही नया ट्रेंड आएगा आज स्टार्टअप्स में भर भर के सैलरी मिलता था यू गो टू बैंगलोर पीपल मेकिंग वन करोड़ वेरी नॉर्मल मतलब ऐसे एवरेज आपको स्टार्टअप्स मिलेंगे जिनके आधे नाम भी नहीं पता रहेंगे और वहां पे जो लोग काम करते हैं उसके बाद सैलरी एक करोड़ के ऊपर रहेगा बिकॉज बर्निंग मनी इन टर्म्स ऑफ सैलरी क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी में यही आदमी चाहिए ये किसी और के पास बैठा है ये चाहिए तो मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा मेरे को खुद से क्रिएट नहीं करने का आई वॉन्ट सम वन कैन गेट इट क्रिएटेड ओवर नाइट आई विल पे दम वट एवर प्राइस आई वॉन्ट टू बट नाउ इफ आई वॉन्ट टू शो अ पाथ टू प्रोफिटेबिलिटी सबसे पहले क्या होगा सैलरी कट होगा

या तुमने ऐसा बोलते हैं कि दिपेंद्र गोयल जो वन ऑफ द जोमेटो के पहले फाउंडर थे उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट द ब्लिंकिट में बिकॉज ब्लिंकिट के फाउंडर्स उनके दोस्त थे। योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। अब आपने जोमैटो को बोला तुम ब्लिंकट खरीद लो क्योंकि मेरा उसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट है आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस वन ऑफ द फाउंडर्स का इन्वेस्टमेंट इन अंपनी एंड यू फोर्स दर कू बाय आउट अन कंपनी बिकॉज ऑफ माई इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन कॉरपोरेट गवर्नेस बट द प्रॉब्लम इज इन स्टार्टअप वर्ल्ड दे बिलीव कॉरपोरेट गवर्नेंस विल कम लेटर ऑन दिस इज माई बिजनेस आई हेव क्रिएटेड दिस जोटो वॉज नॉट देयर टेन ईयर्स बैक मैंने धंधा क्रिएट किया मेरे को जो चाहिए करूँगा समझ रहेगा मेरा बात स्टार्टअप वर्ल्ड ऐसे फंक्शन करता है ऑब्वियसली लोगों ने पहले क्रिटिसाइज यही तो किया कि जोमेटो लिस्टेड कंपनी बन गया पर उसको अभी तक समझता नहीं है कि सेबी है उनको समझता नहीं है कि सेबी को बहुत सारी चीजें इन्फॉर्म करनी पड़ती दिन टू हायर पीपल जो इनको कंप्लाइंस करना सिखाए सबसे पहला क्रिटिसिजम यही था जोमैटो अभी भी अपने इन्वेस्टर प्रेसिटेट सिंह रिपोर्ट बनाता था ना वो एफ एक् जैसे बनाता है दीपेंदर गोयल से किसी ने क्वेश्चन पूछा आंसर क्या है

क्रिटिसिज्म भी होता है तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है आप उस इवेंट का इफेक्ट कंसीडर करो कि अगर मैंने वो इफेक्ट कंसीडर किया तो एक्चुअल पोजीशन बदल जाता क्या बस वो एक्चुअल पोजीशन दिखाना इज कॉल्ड एज प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निजा तो प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉर्मली यूज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टूDemonstrate कि भाई एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मेरे कंपनी के फाइनेंशियल पे क्या आएगा अगर मैं अज्यूम करता हूं ये ट्रांजैक्शन पहले हो गया होता मैं मानता हूं ये बाद में हुआ है इसलिए तुमने एडजस्ट नहीं किया अब एक काम करो उल्टा मान के चलो मान लो ये ट्रांजैक्शन पहले हो गया होता तो क्या इंपैक्ट आता है ये दिखा दो ताकि रियल पिक्चर समझे बेसिकली दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव सेम चीज रिपीट करेगा बार बार अलग अलग शब्दों में मीनिंग पॉइंट नंबर वन में क्लियर हो चुका है नंबर थ्री प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में टेक फॉर्म ऑफ

अन अडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर वन टू थ्री फोर सबसे एक ही पॉइंट में बेसिक मीनिंग था वही बार बार लिखे जा रहा है नोटबुक में आइए अंडर एस एरो राइट डाउन पॉइंट नंबर वन मीनिंग ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीनिंग ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डैश करके लिखो इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शोन टूगेदर विथ एडजस्टमेंट्स शोन टूगेदर विथ अडजस्टमेंट टू इलेस्ट्रेट To illustrate the impact of an event. To illustrate the impact of an event or a transaction. Brackets malikna significant one. Impact of an event or transaction. Brackets malikna, significant one. Brackets close on unadjusted. Financial information on unadjusted financial information as if, as if the event had occurred, as if the event had occurred or transaction had been undertaken. Transaction had been undertaken at an earlier date. At an earlier date, selected for the purpose of illustration. At an earlier date, selected for the purpose of illustration. ये इवेंट ट्रांजेक्शन हुआ जुलाई में है अगर मैं एज्यूम कर लूँ ये 25 मार्च को हुआ होता तो मेरे नंबर्स कैसे बदल जाते ये दिखाना इस एस प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझा क्या मीनिंग क्लियर है पक्का इसमें ही फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करके लिख दीजिए जनरली प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन Is included in prospectus that is offer document. Prospectus that is offer document. This is your meaning of pro forma financial statements. Now, question. ज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली मैनेजमेंट कंपाइलेन का है मैनेजमेंट का है ऑडिटर का काम है या अश्योरेंस एंगेजमेंट वाले पर्सन का काम है इसे एग्जामिन करना एंड प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर देना कंपाइलेशन का काम थ्री फोर टू जीरो में कवर नहीं होता है आइए अगले पेश के क्लोज करते हैं कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा देखो कंपाइलेशन विल इन्वॉल्व दिस्पॉन्सिबल पार्टी गैदर करेगा क्लासीफाई करेगा समराइज करेगा एंड फाइनलाइज करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो ये इंपैक्ट क्या आएगा बताएगा आपको आइडियली क्या इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है रेस्पॉन्सिबल पार्टी का है मतलब कंपनी के मैनेजमेंट का है इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वन हु इज रिव्यूइंग दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब थ्री फोर टू जीरो में कंपाइलेशन कवर्ड नहीं है कंपाइलेशन ऑलरेडी हुआ है बाई रेस्पॉन्सिबल पार्टी उसे रिव्यू करने का काम चेक करके अश्योरेंस देने का काम किसका है थ्री फोर टू जीरो वाले पब्लिक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का रहेगा इस दिस क्लियर टू यू नोटबुक में जाइए लिखिए पॉइंट नंबर टू इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ब्रैकेट्स में लिखो ऑल्सो टर्म्ड एज रेस्पॉन्सिबल पार्टी brackets close to gather to gather comma classify comma summarize to gather classify summarize and present pro forma financial information अब स्टेटमेंट बनाने के स्टेप्स क्या है? क्या हैं? पहले लेके आओगे। करना है? वो इवेंट ट्रांजैक्शन ढूंढोगे उसके बारे में क्राइटेरिया बनाओगे फिर उसका इंपैक्ट कंसिडर करने के बाद नया स्टेटमेंट क्या कहलाएगा प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है।, है सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्या आइडेंटिफाई कीजिए

to prepare proforma financial information steps to prepare proforma financial information number a identify the source of unadjusted financial information source of unadjusted financial information

मेक प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट टू दीज अन एडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट टू दीज अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहले अनएडजस्टेड ढूंढके लाए फिर एडजस्टमेंट किया अब क्या करेंगे नया प्रोफॉर्मा जो बन गया उसे प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर देंगे स्टेप नंबर थ्री जेंट द रिजल्टिंग प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट द रिजल्टिंग प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल information अब हमारा काम क्या है इसके बाद में ऑडिट करने का वही सेम स्टेप्स एंगेजमेंट अग्री करना है कि नहीं करने का है प्लान कैसे करने का परफॉर्म कैसे करने का रिपोर्ट कैसे बनाने का ऑब्वियसली रिपोर्ट में कुछ चला आएगा वो ढूंढना पड़ेगा अपने को आगे खत्म आ जाओ पेज नंबर इलेवन पॉइंट एटीन रीड पॉइंट नंबर वन सर ध्यान रखना प्रैक्टिस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू कंपाइल ऑब्वियसली कंपाइलेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट है प्रैक्टिशनर का, का काम कंपाइलेशन करना नहीं है प्रैक्टिशन का, का काम सिर्फ चेक करके अश्योरेंस रिपोर्ट देना है सो इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगला पॉइंट लिख दो एक टाइम पास एमसीक्यू के लिए काम में आएगा आपको ये आपके तीन पॉइंट हो गए ना थ्री फोर टू जीरो में पॉइंट नंबर फोर प्रैक्टिशनर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल To compile, practitioner is not responsible. To compile the proforma financial information. The proforma financial information. Comma, His sole responsibility. His sole responsibility is to report. His sole responsibility is to report that whether his sole responsibility is to report that whether pro forma financial information that whether pro forma financial information has been complied in all material respects. Has been complied in all material respects by responsible party, by responsible party on the basis of applicable criteria, by responsible party on the basis of applicable criteria. मेरा काम कंपाइलेशन करना नहीं है माय जॉब इज टू गिव रिपोर्ट दैट सर ये जो कंपाइलेशन किया गया है परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ये लॉजिकल तरीके से किया है क्या है इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी ये चेक करके मुझे देने का है रिपोर्ट दो मिनट स्पेंड करो थ्री फोर टू जीरो का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिखा वो पढ़ो फिर कुछ पांच स्टेप्स दिए पढ़ के क्लोज करेंगे Done? देखो, अगले जो steps है, straightforward, normal, जो हैं, के होते है, वैसे ही पहला चीज़ डिस्कशन होगा फिर टू प्लान परफॉर्म योर एंगेजमेंट ऑप्टेब्ल्यू आर एंड ऑब्वियसली फॉर्म ओपिनियन एंड ऑब्वियसली ओपिनियन बनाने के बाद रिपोर्ट के दे, दे देंगे लास्ट दोनों कनेक्टेड एक सिंपल से है। ओवरव्यू देता हूं हर स्टेप को डिस्कस करेंगे सिंपल सी चीजें हैं सिर्फ रिपोर्टिंग वाला पार्ट डिस्कस करने लायक है बाकी पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है सिर्फ पढ़ेंगे रीड करेंगे समझ में आ जाएगा क्लोज करेंगे इंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट करने के पहले क्या सोचोगे पहली चीज तो इज दर अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नंबर टू ऐसा क्या इवेंट है जो आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है

अन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटेड नहीं है रिव्यूड नहीं है प्रॉब्लम हो जाएगा दूसरा चीज आपने जिस बिजनेस को खरीदा वो बिजनेस का भी कभी भी ऑडिट रिव्यू नहीं हुआ है वो भी एक रिस्क बढ़ जाएगा मतलब बेसिकली आप सोचिए ये एंगेजमेंट में जब आप एंटर कर रहे हैं ये नंबर्स मिसलीडिंग कब हो सकते हैं अगर ये नंबर्स क्लियरली मिसलीडिंग सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं मेरे लिए रिस्क बहुत बढ़ जाएगा इस एंगेजमेंट में मैंने सोच समझ के इस एंगेजमेंट को पिक करना चाहिए जनरली अगर आप मुझे पूछोगे अगर मैं ही कंपनी का स्ट्रेटरी ऑडिटर है तो ही लॉजिकल बनता है मैंने थ्री वाला एंगेजमेंट लेना चाहिए कंपाइलेशन वाला नहीं अश्योरेंस वाला क्योंकि मेरे पास में अनएडजस्टेड नंबर में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस रहेगा एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं

नंबर्स इस साल के एंड के बाद में एडजस्ट किए जा रहे हैं तीन साल पहले का एडजस्टमेंट ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंसेस में आ चुका होगा जो मैंने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में कंसीडर कर लिया होगा वही चीज लिख के दिया है पढ़ के क्लोज करते हैं लेट्स नॉट बिफोर अग्रींग टू एक्सेप्ट हमको सबसे पहले देखना चाहिए वेदर प्रोफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड किया गया है क्या आपको लगता है ये एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया है नॉर्मली सबसे पहले एप्लीकेबल क्राइटेरिया E a tô...

कोई पावर किसके पास पास में के पास में मैनेजमेंट मैनेजमेंट के तो अगर पावर का इस्तेमाल कर रहा है या तो ये ये लॉ में क्राइटेरिया क्राइटेरिया बोला है 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 इसके हिसाब से प्रोफॉर्मा बनाओ अगर ही 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 नहीं है, ही दिया ही नहीं है, ये ही नहीं सिचुएशन कवर होता है, तो आप अपने हिसाब से डिटरमाइन कर क्राइटेरिया यूज बाई द रेस्पॉन्सिबल पार्टी ये मेरे को देखना पड़ेगा क्या वो क्राइटेरिया ऑलरेडी स्टैब्लिश किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने

वैल्यू को जस्टिफाई करने का ट्राई कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा एक्चुअल पोजीशन इतना बढ़िया है तो हमारा वैल्यूएशन क्या होना चाहिए थोड़ा महंगा होना चाहिए वो जस्टिफाई करने का ट्राई भी किया जा सकता इसी है इसीलिए क्राइटेरिया लॉजिकल है कि नहीं है सोचना पड़ेगा दैट इज माय पॉइंट नंबर 1 नीचे ये जो पॉइंट नंबर एबीसी करके लिख दिया है ना थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग एरर हो गया है ए 4 5 6 7 8 नाइन ऐसे पॉइंट है सारे के सारे लाइन है सो जस्ट उसको कट कर देना एबीसीडी की जगह दिस इज योर पॉइंट नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ये सब के सब एंगेजमेंट टर्म्स को एक्सेप्ट करने से पहले हमने कंसीडर करना है नोटबुक में जाइए एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे फटाफट समरी बना के क्लोज करेंगे कितने पॉइंट लिखे आपने ऑलरेडी थ्री में चार पॉइंट नंबर फाइव स्टेप्स इन्वॉल्व इन थ्री फोर टू जीरो स्टेप्स इन्वॉल्व इन थ्री फोर टू जीरो एंगेजमेंट पहला स्टेप आएगा एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस पहला स्टेप आएगा एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस उसके अंदर क्या क्या कंसिडर करेंगे बुलेट पॉइंट नंबर वन वेदर

रिस्पांसिबल पार्टी अगर वो एडजस्टमेंट सी लॉजिकल नहीं रखते हैं तो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अश्योरेंस देने का एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लिस्ट बनाएंगे कुछ चीजों का पहला चीज क्राइटेरिया दूसरा चीज मेरे पास कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है क्या ये काम करने का बुलेट पॉइंट नंबर टू कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर नेक्स्ट प्राइमा फेसिया वेदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया प्राइमा फेसिया वेदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया एप्लीकेबल क्राइटेरिया लीड टू मिसलीडिंग प्रफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसा तो नहीं है वो क्राइटेरिया एकदम ही लॉजिकल लग रहा है इससे लग रहा है फालतू में ऐसा सिचुएशन दिखाने का ट्राई करेंगे जिससे हम हमारे स्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे कि क्यों हमारा पोजीशन बहुत बढ़िया है आपने पैसा इन्वेस्ट करना ही मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए बेसिकली इट शुड सीम लाइक ये एक फेयर प्रेजेंटेशन बेटर प्रेजेंटेशन में हेल्प कर रहा है नॉट अ मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन ये आपने कंसिडर करना चाहिए कितने पॉइंट हो गए बुलेट पॉइंट कितने हो गए तीन हो गए ना एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस तीन बुलेट पॉइंट नंबर फोर वेदर सोर्सेज ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन Sources of unadjusted financial information or acquiry or, or a divesty, acquiry or divesty financial information includes.

और मे इंक्लूड ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड ईओएम पैराग्राफ ढंग से पढ़ो क्या बोलते हैं सिंपल है, है प्रोफॉर्म बनाने के लिए अनएडजस्टेड लगेगा अब एडजस्टमेंट भी क्या तुमने धंधा खरीदा है जो धंधा खरीदा है उसका नेट एसिड वैल्यू निकालने के लिए भी उसके नंबर भी तो ऑडिटेड होने चाहिए ना पता चले ना तुम्हारे नंबर ढंग से ऑडिटेड है या लेट से उसके नंबर ढंग से ऑडिटेड नहीं है या दोनों के ऑडिटेड है पर मॉडिफाइड ओपिनियन आया है या ईओ आया है तो कहना है कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट क्योंकि इससे मेरा क्या बढ़ जाएगा रिस्क बढ़ जाएगा सबसे ज्यादा रिस्क कब होगा जब दोनों ही ऑडिटेड नहीं है

फॉर्मा बनाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो लॉजिकल है क्या वही मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए दूसरा चीज सर प्रोफॉर्मा बनाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी बाय लॉ है क्या या अपने हिसाब से डिसाइड किया है फिर सर जो आप डेटा यूज करने वाले हो अनएडजस्टेड वाला डेटा एंड इवन एडजस्टमेंट वाले जो नंबर है वो जिस सोर्सेस से आ रहे हैं वो ऑडिटेड रिव्यूड है कि नहीं है अगर ऑडिटेड रिव्यूड है तो चलो बढ़िया है बट उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है या EOM में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स दिए हुए हैं जिसे शायद कंसिडर करके मेरे को लगेगा प्रोफॉर्मा का नंबर इजिली रिलायबल नहीं होने वाला है ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है आपने सोचना चाहिए दो मिनट स्पेंड करके पॉइंट्स को पढ़िए एक लास्ट पॉइंट लिख के क्लोज करेंगे चाय बुलेट पॉइंट ओके आई डोंट नंबर फाइव समटाइम्स अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और और अक्वायरी एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन May be either unaudited or may not have been subject to audit or may not have been subject to audit, may not have been subject to audit or review ever. बहुत डेंजरस बहुत डेंजरस है ये नॉट हैव बीन सब्जेक्ट टू ऑडिट और रिव्यू एवर इन सच सिनेरियोस प्रैक्टिशनर शुड बी केयरफुल बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट टर्म्स जिसने धंधा खरीदा है उसका ऑडिट नहीं हुआ है या जिसका बिजनेस खरीदा है उसका ऑडिट रिव्यू नहीं हुआ है या तो लास्ट ईयर का नहीं हुआ है कभी नहीं हुआ है ये सब सिनेरियोस हो सकते हैं ये बोल रहे हैं बस ऑब्वियसली यू यू शुड शुड बी इट ये सब कंसिडर करने के बाद में डिसाइड करना ऐसा एंगेजमेंट जस्ट बिकॉज थ्री फोर टू जीरो एंगेजमेंट आया एक्सेप्ट कर लो ना आपने ये सब चीजें सोच समझने के बाद में डिसाइड करना चाहिए ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है अब एग्जाम में परेशान करने के लिए पूछ सकता है प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट याद है क्या वही चीज फॉर अ थ्री फोर टू जीरोजमेंट सेम वही है अल्टीमेटली किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का पढ़ के देखो नंबर जी एज इट इज रिपीटेड लग रहा है क्या पूरा पार्टी से अग्री करवा के लीजिए दैट दे अकनोलेज एंड अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉलोइंग सेम प्री कंडीशन है बस ऑब्वियसली इस बार थ्री फोर टू जीरो के लिए लिखा है सर एडिक्एटली डिस्कलोज एंड डिस्क्राइब क्या एप्लीकेबल क्राइटेरिया है नेक्स्ट

हर किसी का एक्सेस मिलना चाहिए तब जाकर के तो मैं बराबर से क्या कर पाऊंगा मेरा एंगेजमेंट परफॉर्म कर पाऊंगा बेसिकली जो प्री कंडीशन है वही प्री कंडीशन फॉर एन अश्योरेंस एंगेजमेंट लिख के दिया है एज इट इज कॉपी पेस्ट नथिंग न्यू सिर्फ ध्यान रखना यहां वर्ड ऑडिटर की जगह प्रैक्टिस एप्लीकेबल एफआरएफ की जगह एप्लीकेबल क्राइटेरिया बस वो वर्ड रिप्लेस करते जाने का बाकी लैंग्वेज क्या रहेगा पूरा का पूरा सेम रहेगा लॉजिकल है क्या ऑब्वियसली ये सब प्रेजेंट रहेगा तो ही मैंने क्या करना चाहिए एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए तो सर आपके जो पांच स्टेप्स थे उसमें से पहला स्टेप क्या था एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट कुछ नहीं इधर क्या देखने का है एप्लीकेबल क्राइटेरिया मिसलीडिंग तो नहीं है लॉजिकल लगता है क्या सर भाई जो मैं नंबर्स एक्सेप्ट करने के लिए जा रहा हूं ये नंबर्स जो हिस्टोरिकल नंबर्स आर दे ऑलरेडी ऑडिटेड जो अक्वायरी कंपनी जिसका मैं धंधा खरीद रहा है या जो धंधा अपना डाइवेस्ट कर रहा है उनके नंबर्स भी ऑडिटेड ऑडिब्यूड तो नहीं है ऐसा तो नहीं है कि कभी भी ऑडिट रिव्यू वगैरह नहीं हुआ होगा या ऑडिटेड है या होगा मॉडिफिकेशन आया होगा सब कंसिडर करने चाहिए मैंने बिफोर एक्सेप्टिंग दिस एंगेजमेंट लॉजिकली ये सर्टेन कंडीशन है जो आप दिमाग में रखेंगे ऐसा एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले एंड ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिबल पार्टी से एंगेजमेंट लेटर बनाने से पहले प्री कंडीशन अग्री करते हो ना पूछ के बोलोगे और अपने एंगेजमेंट लेटर में प्री कंडीशन लिख के रखोगे तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है परफॉर्मा बनाना एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया एप्लीकेबल क्राइटेरिया को ढंग से डिस्क्लोज करना हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना एडिशनल इंफॉर्मेशन देना एक्सेस टू एम्प्लॉज देना बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के हमें काम करना अलाउ करना ये सब मानते हो तो हम ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे वरना नहीं एक्सेप्ट करेंगे दिस इज योर स्टेप नंबर वन स्टेप्स के अंदर पहला पॉइंट खत्म हो गया है राइट डाउन स्टेप नंबर टू प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पढ़ते जाना उड़ाते जाना नंबर वन वेदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया इज सुटेबल वेदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया इज सुटेबल नंबर टू डेटरमाइनिंग मटीरियालिटी on the basis of practitioner's judgment determining materiality on the basis of practitioner's judgment next understanding how responsible party has compiled how responsible party has compiled for example they may take help of an accounting expert for example they may take help of an accounting expert next whether the source of unadjusted financial information is appropriate. Whether the source of unadjusted financial information is appropriate. Next, obtain evidences. about evidences about appropriateness of proforma adjustments for example whether Significant event or transaction, whether significant event or transaction adjusted to unadjusted financial information, adjusted to unadjusted financial information is consistent is consistent with applicable frf and results into fair illustration results into fair illustration पढ़ के देखो ऐसा लगता है कि जो एंगेजमेंट हम अग्री करने से पहले सोचा था वही मेजोरिटी चीजें आप चेक कर रहे हो बस लास्ट में बोलेगा ढंग ऐसा नहीं होना चाहिए वो एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट लेते लेते हम एप्लीकेबल एफ एफ से कंप्लीटली ही ऑफ रोड हो जाए वो नहीं होना चाहिए ऑफ ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा वाइल परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट पढ़िए एक बार जरा क्या पॉइंट लिखे आपने क्वेश्चन नंबर वन अगर मैं प्रीवियस ईयर का ऑडिटर नहीं हूं तो क्वेश्चन नंबर वन क्या दूसरा कोई ऑडिटर जो है उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिपोर्ट दिया है क्या वही नंबर्स में यूज कर रहा हूं क्या नंबर वन अगर वो अनऑडिटेड है तो मैं बोलूंगा जिस सिस्टम से नंबर आ रहे हैं वो सिस्टम रिलायबल है क्या तब मेरे को ईआरपी के अंदर जाना पड़ेगा तो क्वेश्चन इज आर दे ऑडिटेड और नॉट आर दे रिव्यूड और नॉट इफ नॉट द सोर्स मतलब जिस सिस्टम से वो आ रहा है अब मैं वो चेक करने के लिए जाऊंगा इफ दे आर ऑलरेडी ऑडिटेड वो रिपोर्ट का रेफरेंस दूंगा मैं अपने रिपोर्ट में और यूज कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली वो बोल रहे तीन ही चीजें हैं अनएडजस्टेड एडजस्टमेंट एंड प्रोफॉर्मा तो पहले अनएडजस्टेड का सोर्स गड़ ही गड़बड़ हुआ यही ऑडिटेड नहीं है तो आगे बढ़ के फायदा नहीं है यह बराबर लगता है तो अगले स्टेप है एडजस्टमेंट लॉजिकल है क्या क्या, का बराबर किया है क्या? अब तीसरा चीज जो परफॉर्मा बना है है इसमें डिस्क्लोजर बराबर से दिया है क्या? तीन चीज चेक करोगे जिससे आपको परफॉर्मा के ऊपर क्या आ जाएगा कंफर्ट आ जाएगा ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है डन स्टेप वन था एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस दूसरा था प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेप नंबर थ्री obtain written representation from the responsible party written representation from the responsible party that they have compiled the proforma financial information They have compiled pro forma financial information on the basis of applicable criteria. On the basis of applicable criteria. कौन सी नहीं उसे डब्ल्यू आर लेने का लिखवा के भाई जो क्राइटेरिया दिया है तुमने ही बताया लॉजिकल है या तो क्राइटेरिया ऑलरेडी स्टैब्लिश बाय लॉ है

last thing, reporting part I forming the opinion akri step reporting on pro forma financial information last step reporting on pro forma financial information स्पेंड करेंगे इधर फॉर्मिंग एन ओपिनियन भी आएगा ईओ वाला पार्ट भी आएगा फिर आपका रिपोर्ट वाला पार्ट आएगा लेट मी शो यू अर सैंपल रिपोर्ट वंस एक रिपोर्ट देखते हैं कैसा उसका अप्रोच है स्टैंडर्ड फॉर्म प्रोसीजर फॉलो करेंगे पहले रिपोर्ट देखेंगे फिर कंटेंट्स पे आएंगे फिर ओपिनियन को डिस्कस करेंगे इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा थ्री फोर टू जीरो प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट with an unmodified opinion देखो क्या बोलता है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स अशोरेन्स रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन सेम चीज आगे बस ऐड कर दिया इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट बाकी नाम है ऐसे ही का बराबर है नीचे देखो क्या बोलता है रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन वी हैव कंप्लीटेड Our assurance engagement to report on compilation of proforma financial information. The proforma financial information consists of balance sheet, p cash flow statement. क्या क्या चीज आई है बैलेंस पी है एल आ सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है एंड रिलेटेड नोट्स और नोट्स में क्या लिखा होगा क्राइटेरिया लिखा होगा देखो द एप्लीकेबल क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कंपाइलेशन किया होगा इज स्पेसिफाइड इधर सिक्योरिटीज मतलब

प्रिपरेशन कैसे हुआ है एज पर क्राइटेरिया हुआ है क्राइटेरिया किधर देखने को मिलेगा या तो रेस्पेक्टिव लॉ का रेफरेंस दिया है या क्राइटेरिया देखने मिलेगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर यहां पर आइडियली वो पूरा रेफरेंस देके बताया है हमने अश्योरेंस किस चीज पे दिया है इसे देखो द परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड बाय रेस्पॉन्सिबल पार्टी का रेफरेंस किस चीज के लिए कंपाइलेशन किया है यही इलस्ट्रेट करने का क्या इलस्ट्रेट द इंपैक्ट ऑफ अ इवेंट अगर हम अज्यूम करते ये सेम इवेंट ट्रांजैक्शन पहले होता तो उसका इंपैक्ट पे क्या क्या आता ये दिखाने के लिए हमने क्या किया है अनफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है देखिए द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बिन कंपाइल्ड बाय रेस्पॉन्सिबल पार्टी रेस्पॉन्सिबल पार्टी क्या चाहता है इलस्ट्रेट करना चाहता है क्या इलस्ट्रेट इंपैक्ट ऑफ अ इवेंट और ट्रांजैक्शन किसके ऊपर कंपनी के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल जो अनएडजस्टेड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा एज इफ ये इवेंट हैड टेकन प्लेस एट अ स्पेसिफाइड डेट मतलब हम अज्यूम करते ये इवेंट थर्टी फर्स्ट मार्च के पहले होता तो इसका इंपैक्ट मेरे बैलेंस शीट और मेरे पीएनएल पे क्या आता ये दिखाने के लिए क्या किया गया है कंपाइलेशन किया गया है ब्रैकेट्स में रेफरेंसेस दिए हुए हैं रेस्पॉन्सिबल पार्टी ये है जिसने इस इवेंट को कंसिडर किया इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पी पे क्या चेंज आएगा ये दिखाने के लिए कुछ नहीं सिंपल शब्दों में हम चाहते हैं बताना कंपाइलेशन किया है ये बताने के लिए यह जो इवेंट है इसका अगर इंपैक्ट हमने अनएडजस्टेड पे कंसिडर किया होता तो नया परफॉर्म फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या आएगा जो हमारा डेफिनेशन है वही बताने का ट्राई कर रहा है आगे देखिए एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज बैलेंस शीट पी एन एल कैश फ्लो स्टेटमेंट बीन एक्सट्रेक्टेड मतलब ये कहां से निकाला है कहां से कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑलरेडी ऑडिटेड और अगर ऑडिट रिव्यू नहीं हुआ तो बोलना पड़ेगा नो ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट है कि भाई वो अनएडजस्टेड नंबर कहां से आया है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया है रिव्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका रेफरेंस अगर वो ऑडिटेड रिव्यू नहीं है फिर भी मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया तो बोलना पड़ेगा जो अनएडजस्टेड नंबर है दे आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट और रिव्यू क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा अनएडजस्टेड नंबर किधर से आया है आगे देखिए द रिस्पांसिबल पार्टी इज रिस्पांसिबल फॉर कंपाइलिंग प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया सो दिस रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूड्स डिजाइनिंग इंप्लीमेंटिंग एंड ऑल्सो में गुड इंटरनल कंट्रोल जो नॉर्मली प्री कंडीशन में आता है ताकि हो सके फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट हो सके मैनेजमेंट Man की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहा है आइडेंटिफाइंग एंड एंश्योरिंग दैट कंपनी कंप्लाइज विथ ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंपाइलेशन से बी के लॉस का रेफरेंस देगा कि भाई ये कंपनी के मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर कंपाइलेशन to ensure compliance with laws and regulation and most importantly हमने ध्यान रखा है कि जो हमारे financial information है इसके लिए अच्छे internal controls को भी design किया हुआ है normal आपके management की जो responsibility होती है वो लिखी हुई है अब आइए practice नोस responsibility ये important है our responsibility is to express an opinion about whether pro financial information has been complied in all material respects

हम हमारा काम बराबर से प्लान करें बराबर से प्रोसीजर लगाएं ये देखने के लिए कि वेदर कंपाइलेशन इन ऑल मटेरियल मटीरियल हैज टेकन प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया मतलब सर हमने एंगेजमेंट एज पर थ्री फोर टू जीरो करना चाहिए वी शुड कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स बराबर से हमने काम प्लान करना चाहिए परफॉर्म करना चाहिए और बाद में क्या देना चाहिए ओपिनियन देना चाहिए देखो फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंगेजमेंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आएगा रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग और री इशूंग एनी रिपोर्ट और ओपिनियन ऑन एनी मतलब कंपाइलेशन के दौरान पुराना नंबर यूज किया है एक इवेंट का इफेक्ट कंसिडर किया है नया रिपोर्ट बनाया है मैं अगर उस साल का ऑर्डर नहीं था मैंने प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट दिया है हिस्टोरिकल पे नया रिपोर्ट देने का वो काम मेरा नहीं है मैंने उसका ऑडिट रिव्यू नहीं किया है वो ऑडिट रिव्यू अगर मैंने किया होता तो अलग रिपोर्ट दिया होता किसी और ने किया तो भी उसने अलग रिपोर्ट दिया बेसिकली इट इज नॉट द नॉर्मल ऑडिट इट इज नॉट द नॉर्मल रिव्यू इट इज ओनली अश्योरेंस ऑन प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो आप ऐसा मत करना इसके बाद मैं पुराने वाले हिस्टोरिकल नंबर को फिर से चेक करके रिपोर्ट दूंगा उस पर मैं ऑडिट करके अपना ओपिनियन दूंगा यह सब काम मेरा

हमने किसका ऑडिट किया है एडजस्टमेंट का अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल वाला ऑलरेडी ऑडिटेड था तो मैं अज्यूम करके आया वो नंबर बराबर है इसमें एडजस्टमेंट का इंपैक्ट आया तो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया मैंने वो हिस्टोरिकल वालों को ढंग से ऑडिट नहीं किया है इस एंगेजमेंट में मेरे से एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि उसको मैं ऑडिट करूं इस एंगेजमेंट में एक्सपेक्टेशन है कि भाई एडजस्टमेंट्स बराबर से कंसिडर किए हैं क्या प्रोफॉर्मा बनाते वक्त हिस्टोरिकल एज इट इज उठाने का है एडजस्टमेंट करना है और प्रोफॉर्मा देखने का है मैंने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इधर ऑडिट करने का जरूरत नहीं है देखना द पर्पस ऑफ प्रोफॉर्मा इज इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्ट प्योरली पता है तो सोलली इलस्ट्रेट क्या इंपैक्ट आएगा एक इवेंट ट्रांजैक्शन का अगर इसको हमने एडजस्ट कर लिया होता अज्यूमिंग ये ट्रांजैक्शन पहले ऐसा हुआ है मतलब हम कोई भी अशरेंस नहीं देते हैं कि एक्चुअल आउटकम का यही इंपैक्ट आएगा हम अज्यूम कर रहे हैं इलस्ट्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं ये जो इवेंट है इसको मैं अज्यूम करूं कि ये पहले होता है तो शायद हमने ऐसा सोचना चाहिए था एक्चुअल आउटकम अगले साल के क्लोजिंग का ये सब चीजों पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं मेरा काम है सिर्फ एडजस्टमेंट बराबर सोचा है क्या वो क्राइटेरिया से कंप्लाई किया है क्या इतना चेक करना अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट स्टेटमेंट्स हैज बीन कम्प्लाइड इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट एज पर द्राइटेरिया एंड सर अल्टीमेटली आपने ओवरऑल जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया है वो रीजनेबल लगता है ये बोलने के लिए मतलब मैंने इतना सफिशियंट एंड्रोब्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन किया है कि मैं ये ओपिनियन देने जा रहा हूं क्या ओपिनियन देने जा रहा हूं दैट सर रिलेटेड प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स आर गिविंग अप्रोप्रिएट इफेक्ट टू द क्राइटेरिया या सर दे रेप्रेजेंट्स प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ दीज एडजस्टमेंट मतलब जो एडजस्टमेंट्स है उस पर ही ओपिनियन है वो बराबर है कि नहीं ये चीज मैं बोल सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑबटेन्ड बाई मी ऑब्वियसली जो भी प्रोसीजर लगाए हैं जो प्योरली मेरे अंडरस्टैंडिंग पे मेरे जजमेंट पर डिपेंडेंट है कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर मुझे ऐसे ही में लिख के नहीं दिया है एंड सर, वी बिलीव हमने जो एविडेंस ऑप्टेन किया है वो क्या है सफिशियंट एंड सो इन आवर ओपिनियन वी बिलीव दे आर प्रॉपरली कंप्लाइड एज पर द क्राइटेरिया। लास्ट में रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल का रेफरेंस इफ रिक्वायर्ड इन द एंड ऑफ रिपोर्ट पढ़ते हैं एलिमेंट्स सबसे पहले टाइटल मार्क दिस लाइन इंडिपेंडेंट अशोरेंस रिपोर्ट इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट आप प्रैक्टिशनर्स अश्योरेंस रिपोर्ट वर्ड यूज कीजिए या अब नॉर्मली से बोलते ना इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स अश्योरेंस रिपोर्ट किसके ऊपर स्टैंडर्ड का नाम लिख देने का नेक्स्ट किसके लिए रिपोर्ट बनाया गया है? एंड इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज पहला पैराग्राफ जो आएगा उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है हमने प्रफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक किया है प्रफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा बैलेंस शीट आ सकता है पीएनएल भी साथ में आ सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस नंबर वन प्रफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? वो बताएंगे किस सोर्स से हमने अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है क्या वो ऑडिट और रिव्यू हुआ था कि नहीं हुआ था ये बताएंगे

हमारा काम है ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि हमारे हिसाब से ओवरऑल परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन यू नो कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स एज पर द क्राइटेरिया एक देखो एक लाइन बताया था हमारा काम नहीं है ना तो नया इशू करना रिपोर्ट ना ही अपडेट करना एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स भाई सिंपल है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज इट इज उठाए हैं हमने उनका ऑडिट नहीं किया है हमने उनका रिव्यू नहीं किया है हम उनपे सेपरेट ऑडिट या रिव्यू का रिपोर्ट नहीं देने वाले हैं इट इज नॉट आवर जॉब टू री इशू न्यू रिपोर्ट इसके बाद में बदल गया नहीं हमारा काम था प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर रिपोर्ट देना वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है ढंग से पढ़िएगा स्टेटमेंट ऑलरेडी ही है आपको हमारा काम नहीं है फॉर अपडेटिंग एंड रीइशूइंग एनी रिपोर्ट्स ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कंपाइलेशन में यूज किया है क्योंकि हमने देखो इन द कोर्स ऑफ दिस एंगेजमेंट हमने ऑडिट या रिव्यू नहीं किया है नॉर द प्रैक्टिशनर इन द कोर्स हैज परफॉर्मड एन ऑडिट और रिव्यू ये हमने किया ही नहीं है ये चीज हमारे स्कोप के अंदर कवर्ड ही नहीं था नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज सोलट करना अगर अनएडजस्टेड नंबर होता तो उनका नया सिचुएशन क्या होता प्रोस्पेक्टस में यह सिचुएशन दिखाने के लिए क्या बनाया गया है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है उसका परपज क्या है वो बता दिया हमने एज इट इज फिर सर पॉइंट नंबर सिक्स आपको ऑलरेडी मालूम है ये स्टैंडर्ड है हर रिपोर्ट में आता है आपको समझ गया होगा उस स्टैंडर्ड का रेफरेंस हमने काम किया है एस पर थ्री फोर टू जीरो कंप्लाइड विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स वी हैव प्लान आवर वर्क प्रॉपरली परफॉर्म्ड आवर प्रोसीजर्स प्रॉपरली ये स्टैंडर्ड है पैराग्राफ हर जगह एज इट इज आता है लॉजिकल है नेक्स्ट देखो अ स्टेटमेंट कि सर हमने रीजनेबल अश्योरेंस ऑप्टेन किया है ये बोलने के लिए देखो दो पॉइंट्स रिलेटेड प्रफॉर्मा एडजस्टमेंट गिव्स अप्रोप्रिएट इफेक्ट टू द क्राइटेरिया एंड इसका प्रॉपर एप्लीकेशन भी किया गया है इन द अनएडजस्टेड मतलब सर वी हैव ऑप्टेन्ड फिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड जो एडजस्टमेंट हैं उनका प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बराबर से इफेक्ट कंसिडर किया गया है टू तो प्रिपेयर प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सर वी हैव ऑप्टेन्ड रीजनेबल अश्योरेंस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल पार्टी बाय ऑप्टेनिंग एविडेंसेस और क्या बोल रहे हैं दैट रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आर गिविंग अप्रोप्रिएट इफेक्ट टू द क्राइटेरिया एंड इनका प्रॉपर एप्लीकेशन हुआ है मतलब बेसिकली क्या बना है प्रॉपर प्रफॉर्मा फाइनेशियल स्टेटमेंट का प्रेपरेशन हुआ है क्योंकि प्रेपरेशन के अंदर हिस्टोरिकल नंबर तो एज इट इज आया एग्जीक्यूशन वाला मेन काम क्या था एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग हमने क्या ऑप्टेन किया है सफिशेंट मतलब क्लियर है सिंपल हिस्टोरिकल नंबर एज इट इज आया है वो ऑडिटेड रिव्यूड है देखा है मैंने उसको ऑडिट नहीं किया है

फॉर प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट जिसकी वजह से नॉर्मल फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो एडजस्टमेंट्स के लिए मैंने क्या ऑप्टेन किया है सफिशेंट एंड्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन किया है वो मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैंने रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड बाई वर्ड पढ़ो अबलोरेंस एंगेजमेंट है ये जहां पर मैं रिपोर्ट करता हूँ वेदर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंप्लाइड एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे करना पड़ेगा जो देगा कि जो आपने किया है ना क्या वो बराबर है कि नहीं है तो सर यह होना चाहिए था मैंने रिस्पॉन्सिबल पार्टी से सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन किया है टू कंक्लूड क्या कंक्लूड कर रहा हूं दैट जो एडजस्टमेंट हैं वो वही इफेक्ट दे रहे हैं जो देने चाहिए उस क्राइटेरिया में एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बना है इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ दोडजस्टमेंट्स मतलब जो एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट आना चाहिए था वैसा ही आया है मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट के बाद जो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो एक्सेप्टेबल है ये कंक्लूड करने के लिए मैंने ऑप्टेन किया है सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लास्ट में पॉइंट नंबर एट अनलेस अदरवाइज लॉज एंड रेगुलेशन मेरे ओपिनियन में बोलना पड़ेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट और ज बीन कंपाइल्ड ऑन द बेसिस मतलब या तो लॉयर रेगुलेशन का रेफरेंस देना पड़ेगा या नोट्स नोट में जो बेसिस है उसके हिसाब से कंपाइलेशन हुआ है ये मेरे ओपिनियन में एक लाइन आएगा बाकी डेट प्लेस सिग्नेचर नोटबुक लास्ट आपका आखिरी पॉइंट है ऑडिट रिपोर्टिंग पार्ट अंडर ऑडिट रिपोर्टिंग पॉइंट नंबर एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस रिपोर्ट

mention the period covered or the date comma reference to applicable criteria A reference to applicable criteria used for compilation reference to applicable criteria used for compilation इसमें एप्लीकेबल एफ आर एफ क्राइटेरिया का रेफरेंस आएगा बाकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट के जैसे इट इज नो डिफरेंस अगला पॉइंट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ खत्म हो गया नेक्स्ट अ स्टेटमेंट अबाउट OF RESPONSIBLE PARTY पार्टी अस्टेटमेंट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी OF RESPONSIBLE PARTY ऑब्वियसली उनका काम है कंपाइलेशन करना ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लिखते हैं वैसा ही है अगला पॉइंट प्रैक्टिशनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिशनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी डैश करके लिखो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कॉमा नॉट रेस्पॉन्सिबल For updating or reissuing, not responsible for updating or reissuing any reports or opinions on historical financial information. historical financial information therefore continue gana therefore it is clearly stated that practitioner clearly stated that practitioner has not audited practitioner has not audited or reviewed historical financial information used for compilation historical financial information used for compilation it is not kya? step by step they टाइटल मेनली हमने इंट्रोडक्शन दिया कि भाई हमने किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर दिया है उसका एप्लीकेबल क्राइटेरिया का रेफरेंस क्या दिया है फिर सर मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंपाइल द प्रोफॉर्मर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां तक का स्टेप बाय स्टेप देख लो लास्ट जो चीज लिखा है ना कि हमने ना तो कोई नया रिपोर्ट री इश्यू करके देना है ना रिपोर्ट अपडेट करना है क्योंकि हमने हिस्टोरिकल का ना तो ऑडिट किया ना रिव्यू किया इस एंगेजमेंट में हा? पहले किया होगा तो सेपरेट रिपोर्ट है इस एंगेजमेंट में नहीं किया ऐसा लिखना पड़ेगा एक बार इतने पॉइंट पढ़ो फिर आगे जा रहे हैं

a statement a statement that practitioner has performed appropriate procedures a statement that practitioner has performed appropriate procedures to obtain reasonable assurance appropriate procedures to obtain reasonable assurance that the pro forma adjustments gives appropriate effect to the relevant criteria the relevant criteria and and the final pro forma financial information and the final pro forma financial information reflects proper application Reflects proper application of these pro forma adjustments. Proper application of these pro forma adjustments to unadjusted financial information. To unadjusted financial information. बेसिकली हमने हमारे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल प्रोसीजर लगाना चाहिए जिससे कि मेरे को रीजनेबल अश्योरेंस मिले जो तुम्हारे प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स हैं वो ढंग से एडजस्ट होने के बाद में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना है क्या एंड जो तुम्हारा क्राइटेरिया है जो क्राइटेरिया लॉ के हिसाब से आया होगा या तुमने क्राइटेरिया डिटरमाइन किया होगा वो भी बराबर से कंसिडर तरीके से अप्लाई हुआ है कि मतलब बॉटम लाइन एप्लीकेशन ऑफ एडजस्टमेंट बराबर है कि नहीं है इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर लगा के मैंने क्या ऑप्टेन करना है सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आपने एक कंपनी को अक्वायर किया है जिसके परचेस कंसिडरेशन का एट्टी परसेंट पेमेंट कि नहीं, तो नहीं हुआ है अगर ये ऐड किया है तो सर उसका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आपने पीरियड एंडिंग डेट को कंसिडर किया है कि नहीं किया है फिर आपने बोला है बचा ट्वेंटी खुद के पॉकेट से पे किया है तो बचा ट्वेंटी खुद के कैश एंड कैश इक्विल से कम होना चाहिए मतलब जो क्राइटेरिया लिख रहे हो एक्चुअली अडजस्टमेंट उस क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए इट शुड नॉट हैपन। क्राइटेरिया में लिखा है पैसा बोरो किया है पर एडजस्टमेंट के अंदर बोरोइंग आया नहीं है नया ना इसे इनकंसिस्टेंसी आ जाएगा क्राइटेरिया बोल कुछ और रहा है एक्चुअल एडजस्टमेंट शुड बी इन लाइन विद द क्राइटेरिया इसके लिए मेरे को पूरे ऐसे थ्री फोर टू जीरो में एडजस्टमेंट्स को देखना है वो इवेंट का इंपैक्ट क्या है वो देखना है स्टेटमेंट जो ओरिजिनल वाला है वो नंबर तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी है उसको चेक नहीं करना है वो ऑलरेडी ऑडिटेड रहेगा पूरा एफर्ट किस पे आएगा एडजस्टमेंट्स Ad के ऊपर आने वाला है कितने पॉइंट हो गया आपके एलिमेंट्स में नंबर एट नंबर एट इन दी ओपिनियन पैराग्राफ इन दी ओपिनियन पैराग्राफ प्रैक्टिशनर में यूज

has been compiled on the basis of applicable criteria. on the basis of applicable criteria. ये language सबसे ज़्यादा use किया जाता है, यही A. C. में recommended भी है. दूसरा language या आप बोल सकते हो और performa financial information. has been properly compiled has been properly compiled on the basis stated देखो दो सिचुएशन है या तो क्राइटेरिया एज पर लॉ है तो कैन आई से

ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया ये दूसरा वाला हमने जो बेसिस स्टेट किया है उसके सबसे कंपाइलेशन हुआ है आखिरी दो एलिमेंट्स प्लेस डेट सिग्नेचर इज योर एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारा लिखा है डॉक्यूमेंटेशन टू बी इंश्योर्ड ओकेर बीसली है कोई फर्क नहीं पड़ता है कैन देर बी आईजर पैराग्राफ इट्स पॉसिबल कैन देर बी मॉडिफाइड ओपिनियन येस इट्स पॉसिबल बस एक चीज ध्यान रखना नॉर्मली प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अनमोडिफाइड ओपिनियन ही आना चाहिए

कि सर इस कंपनी के नंबर्स पे रिलाई करना है कि नहीं करना है सो so, अर्यर से भी वोस वेरी पहले बोलता था ये ही नहीं है अगर ऐसा करोगे यूजर्स के लिए मिसलीडिंग सिचुएशन हो सकती है आईडियली अब ऐसा बोलता है अगर आपको लगता है मॉडिफाइड अप्रोप्रिएट है इसमें एक एकाध मिस्टेक है क्वालिफाइड जैसे लिखना है आप चाहो इंक्लूड कर सकते हो सिचुएशन ओपन कर दिया गया है बट जनरली ऐसा बोलते हैं

वेयर लॉ और रेगुलेशन प्रिक्लूड्स मतलब डज नॉट अलाउ अगर प्रिक्लूड करता है मतलब वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है टू पब्लिश इन अ प्रोस्पेक्टस दैट कंटेंट्स अ

क्या लॉ या रेगुलेटर अलाउ करता है कि नहीं करता अलाउ ही नहीं करता है तो मैंने मॉडिफाइड से पहले पूरा इंश्योर करना है वो ठीक कर दे ताकि क्लीन दे पाए अगर वो अलाउ करता है मैनेजमेंट बात मानने को तैयार नहीं है

कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा मैटर है एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ड्रॉ करें अटेंशन ऑफ माय यूजर्स टू दैट मैटर कैन आई इंक्लूड दैट मैटर अंडर ई एम पैराग्राफ यस नॉर्मली मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड होता है एंड नोट्स टू अकाउंट्स में डिसक्लोज होता है कैन आई इंक्लूड दिस दिस इन इज नो प्रॉब्लम अबाउट इधर ये कोई ग्रेट नहीं अच्छा है इधर अच्छा चीज है ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स वहां एक क्वेश्चन आ सकता है उसके अलावा प्लानिंग परफॉर्मिंग एक्सेप्टिंग मेरे को कुछ ग्रेट नहीं लगता है हाँ स्टेप्स टू प्रिपेयर अ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तीन स्टेप्स है एमसीक्यू में पूछ सकता है दैट क्वेश्चन कैन कम कि आपको पहले अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा एडजस्टमेंट सप्लाई करने पड़ेंगे फिर जाके बनेगा प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कंपाइलेशन करने के लिए आपको हायर किया है ये थ्री फोर टू जीरो मेंॉज्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन के लिए फोर फोर वन जीरो अलग से बना के दिया था दिया था क्या कुछ याद है क्या? थोड़ा बहुत ऐसा कंपाइलेशन उधर ही कवर होगा और याद तो बोला भी था कंपाइलेशन आपको हिस्टोरिकल का करना है अदर हिस्टोरिकल का करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करना है नॉन बेसिकली पूरा कंपाइलेशन उधर आएगा ऑल कंपाइलेशन एंगेजमेंट आर इन फोर फोर वन जीरो पक्का बस दैट्स इट्स दिस इज योर थ्री फोर टू जीरो